हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि माल्टा के नाम पे या अदर यूरोपियन कंट्री के नेम पे जो फ्रॉड हो रहे हैं उसके बारे में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स भाई जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब कईयों को पता नहीं होता है कि एक्चुअल जेन्युइन जो एजेंट है, जो एजेंसीज हैं, वो कौन सी हैं, माल्टा का अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, हम फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं। तो इसके रिलेटेड मैंने सोचा कि एक आपको वीडियो बनाऊं जिससे आपको पता लगे कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि माल्टा आने के लिए इंडिया में सबसे पहले कोई भी मेडिकल नहीं होता है। अगर आप माल्टा का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको इंडिया में रहते हुए कोई भी मेडिकल कराने की कोई जरूरत नहीं है। इवन कि अगर आप इनकी ऑफिशियल साइट पे जाओ या VFS ग्लोबल की साइट पे भी जाओ, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की भी साइट पे जाओ, तो इंडिया से कोई भी मेडिकल नहीं होगा। जो मेडिकल होगा वो माल्टा में आने के बाद होगा। चेस्ट एक्सरे होता है, तो जो मेडिकल का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आने के बाद है, ना कि इंडिया में। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आपको कोई भी एजेंसी या कोई भी एजेंट आपको अप्रोच कर रहा है, तो वो आपको कहता है कि आपको 8,000 या 10,000 या 15,000 रुपए इंडिया के देने होंगे। तो आप पहले आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद हम आपका अप्लाई करेंगे, आपका जॉब लेटर आएगा। तो ऐसा देखिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपसे पैसे बना रहे हैं। तो इससे आपको बचना है। सबसे पहले तो माल्टा के लिए कोई भी मेडिकल नहीं होता है, ठीक है जी, ये बात हो गई। अगर कोई भी आपको कॉल करके कहता है कि आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट हो गई है माल्टा के लिए या अदर यूरोपियन कंट्री के लिए, आपको जॉब मिल रही है, आप अपना एक काम कीजिए, आप मेडिकल करा के आइए। मेडिकल का भी कैसा रहता है कि वो आपको खुद डॉक्टर का एड्रेस देंगे कि आप ये पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाइए और अपना मेडिकल करा के आइए। उन्होंने टाई अप्स किए होते हैं, कुछ पैसे वो डॉक्टर को देते हैं, कुछ वो खुद ले लेते हैं। तो इससे आपने बचना है। इसके अलावा देखिए, जब भी आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई करते हैं, सबसे जरूरी बात यही है कि आपको कोई अगर रैंडम मैसेज आता है, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आप सिलेक्ट हो गई है, आपकी जॉब फाइनल हो गई है, आप 280 यूरो भरे या 500 यूरो और भरे, ऐसा किसी तरह का भी आपको अगर व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, इवन कि चाहे मेल भी आती है, तो उसको दोबारा से क्रॉस वेरीफाई कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले, तो ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने के बाद प्रॉपर इंटरव्यू होती है। ऐसे सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट भेज देने से आपको जॉब नहीं मिलेगी, इंटरव्यू होगी, प्रॉपर वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होती है, चाहे वो स्काइप पे हो, जूम मीटिंग पे हो, तो वो प्रॉपर इंटरव्यू लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया और आपको एक ईमेल आती है, व्हाट्सएप आता है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो शॉर्टलिस्ट हो गई है, आप सिलेक्ट हो गए, हम आपको ये जॉब ऑफर कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो फ्रॉड है। अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो वो प्रॉपर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद वो आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे कि आप हमें डॉक्यूमेंट दो, उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होता है। तो आपने इस चीज से भी बचना है, क्योंकि मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं, मैसेज आ रहे हैं कि हमें जॉब लेटर आया है, ये चेक कीजिए ऑथेंटिक है कि नहीं। जब मैं पूछता हूँ कि इंटरव्यू हुआ था आपका, वो कहते हैं नहीं, इंटरव्यू कुछ नहीं हुआ, एक मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल आई थी कि आपको ये हम जॉब ऑफर कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट की गई है। तो ऐसे नहीं होता है वो। और एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी एजेंसी आपको कॉल करती है, वो कहते हैं कि हम वर्क परमिट लगवा रहे हैं, आपने क्या करना है कि आपने 20-30 हज़ार रुपये अभी देने हैं, 1 लाख अभी देना है, बाकी के 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख जो भी है रकम है वो आपकी सैलरी में से डिडक्ट होंगे। ऐसा देखिए बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप सोचे कि माल्टा के नाम पे कोई आपको कॉल करता है कि आपको जॉब हम दिलवा रहे हैं, अभी आपने क्या करना है, मेडिकल कराना है,
8,000 का मेडिकल कराया आपने। मेडिकल कराने के बाद वो कहते हैं कि आपका ऑफर लेटर आ गया है, वो एक आपको एडिटेड आपको जॉब लेटर दे देंगे। अब जॉब लेटर के बाद वो कहेंगे 25-30 हज़ार रुपये और जमा कराओ। अब वो जमा कराओगे फिर वो और आपसे वीजा फीस मांगेंगे। ऐसा देखिए कुछ नहीं, प्रोसेस ऐसा नहीं होता है। तो आपने इसको बचना है, इससे बचना है। और ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होता है कि आप यहाँ आने के बाद सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे कटवा सकते हैं, ऐसा प्रोसेस नहीं होता है, किसी भी कंट्री का नहीं होता है। अगर आपको कोई कहता है कि अब माल्टा आ जाइए, माल्टा आने के बाद जो आपकी रिमेनिंग पेमेंट होगी वो आपकी सैलरी में से डिडक्ट होगी, तो वो फ्रॉड है। वो कोई भी सैलरी में से पेमेंट डिडक्ट नहीं होगी। जो भी पेमेंट्स जाती हैं वो आपकी आपकी एजेंट से, अगर जो जेन्युइन एजेंट है, जो भी आपकी जितने में भी डील है, तो वो सारी जो पेमेंट होती है कुछ पहले होती हैं बाद में होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि सैलरी में से आप डिडक्ट करवाएंगे हर महीने, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपने इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप देखिए अपने कुछ जो जो कि हर पैसा, देखिए हम जो पैसा कमाते हैं बहुत मेहनत का पैसा है। तो मेरा ये चैनल बनाने का मेन मोटिव यही था कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक जाऊँ और उनको समझा सकूँ कि आप इन सब फ्रॉड में ना आइए। एक प्रोसेस, हर प्रोसेस का, हर कंट्री का एक जेन्युइन प्रोसेस होता है अप्लाई करने का वीज़ा, उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द सबको रिप्लाई करूँ, बट मैसेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं मैसेजेस लोगों के, तो थोड़ा डिले हो जाता है उसको रिप्लाई देने में भी। तो आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि माल्टा के लिए कोई मेडिकल नहीं होता है, कभी भी आप सैलरी में से थोड़े थोड़े करके पैसे डिडक्ट नहीं होते हैं। एक्चुअल फीस अगर आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई करते हैं, आपका प्रॉपर इंटरव्यू होता है, तो 280 यूरो 50 सेंट आइडेंटिटी माल्टा की फीस है, जो कई कंपनीज होती हैं खुद पे कर देती हैं और कई कंपनीज होती है कि आपको पे करना पड़ेगा, वो फीस है बस। इसके अलावा इंडिया में कोई मेडिकल नहीं होगा आपका। माल्टा में आने के बाद आपके जो रिक्वायरमेंट होती है मेडिकल वगैरह होता है, TRC अप्लाई होती है, उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कि उस वीडियो में TRC अप्लाई करने के क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो आई होप आपको आज की ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि माल्टा के नाम पे या अदर कंट्रीज के नाम पे जो फ्रॉड हो रहे हैं उससे कैसे बचे, तो थोड़ा सा आपने चौकन्ना रहना है, ध्यान देना है। जहां आपको लगता है कि 1 लाख में काम हो रहा है, आप सोचते हैं कि अरे ये तो मैं 1 लाख में माल्टा आ जाऊंगा, 2 लाख में आ जाऊंगा, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हैं, तो देखिए ऐसा बहुत रेयर ही है कि आप इतने कम रकम में आप किसी भी कंट्री का, शेंगेन कंट्री का आप वीज़ा लगवा के आ जाए। तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि ये फ्रॉड है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप अप्लाई करते रहिए जॉब को, सब लक का गेम है। मैं सबको यही बोलता हूँ, सब मुझे मैसेज करके कहते हैं कि भाई मैं काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ रिवर्ट नहीं आ रहा है। पेशेंस का गेम है, लक का गेम है। प्रोफाइल देखिए सबकी अच्छी होती हैं, वो डिपेंड करता है कि सही समय पे आपकी जो प्रोफाइल है वो एम्प्लॉयर को मिल गई और आपका काम बन गया। तो होप रखिए और अप्लाई करते रहिए, और जो ये फ्रॉड हो रहे हैं उससे प्लीज़ बचिए। मिलते हैं एक अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को पसंद आई हो अगर ये वीडियो, तो इसको आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए जहाँ तक आप कर सके, क्योंकि ये चाहता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी आगे तक जाए और जो भी मेरे भाई बहने ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो किसी के फ्रॉड से बचे तो बहुत अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।